जैसे जैसे रात बीतती जा रही है ना, यहाँ पे एक्टिविटियाँ बढ़ती जा रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी होगा, लेकिन भाई एक्टिविटियाँ बढ़ रही है। और जी आज का जो ब्लॉग होने वाला है हमारा, वो नाइट कैंपिंग के ऊपर होने वाला है। और इस वक्त हम हैं मोरा गांव में और रात काफ़ी हो चुकी है, क्योंकि हमको थोड़ा पहले आना चाहिए था, लेकिन वो दोस्तों के चक्कर में होता है ना यार, तू आ लेट हो गई। और इस वक्त मैं आपको दिखा दूंगा हमारे पास जो सामान है वो मैं दिखा सकता हूँ। ये मेरे दोस्त अरविंद और ये हमारा टेंट है, ये देखिए ये टेंट है हमारा, ठीक है, ये हमारा टेंट है। और इसके बाद ये साहिल, एक टेंट साहिल के पास है। तो आज दोस्तों नाइट कैंपिंग के लिए तैयार हो ना? बिल्कुल, बहुत ही एक्साइटेड है हम तो। ठीक है, तो दोस्तों हम अब कैंपिंग वाली जो जगह है वहाँ पे हमको एक भाई और मिलेंगे, भाई का नाम प्रकाश भाई हमको मिलेंगे गाड़ी के सफर यहाँ से पहले। और यहाँ तक तो हम आए थे गाड़ी के सफर में, ये देखिए अब ये हमारी अल्टो, इसमें हम आए थे। और यहाँ से जाने के बाद पैदल, ये देखिए यहाँ से पैदल जाना है हमने, और यहाँ से कम 3 किलोमीटर ऊपर जाना है पैदल। और उसके बाद 3 किलोमीटर पैदल ऊपर जाने के बाद वहाँ से फिर हम जो अपनी कैंपिंग वाली स्टेशन है वहाँ पहुँच जाएंगे और सीधा मिलते हैं फिर हमसे आपको वहाँ से आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं साहिल और आगे बिंदी अपना टेंट के साथ लेकर जा रहे हैं, और मुझे तो आप देख ही सकते हैं हमेशा की तरह। और चलो चलो आप चलो, तुम चलो। और लगभग काफ़ी सीढ़ियाँ यहाँ पे है, थोड़ा सा सांस ही फूल गई यार, काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आया हूँ। तकरीबन रात के भी 7:30 बजे, और उसके बाद जाएंगे वहाँ पे नाइट कैंप लगाएंगे। तो इधर देखिए रास्ता, उस वाले रास्ते से नीचे से हम आए थे और सांसें फूल गई है, और अभी जाना है यहाँ से ऊपर। तो भाई थोड़ा वेट करो, ये न कि मैं बाघ उठा के लिया मैं पिछने रोल। और दोस्तों वो नीचे देखिए आप, वो गांव है, गांव को छोड़कर हम आए ऊपर, और काफ़ी थकावट लगी है। और यार मुझे कुछ करना पड़ेगा, सही में बहुत कमज़ोर हो गया मेरा स्टैमिना, और गलती ये भी कि वर्कआउट नहीं कर रहा मैं आजकल, लेकिन अब करना पड़ेगा। और हम लगाएंगे अभी रात को कैंपिंग, और आप देख सकते हैं गाँव का माहौल, लाइटें कितनी खूबसूरत लग रही है घर में। और यहाँ से अब 2 किलोमीटर ऊपर मुझे जाना है, वहाँ हम करेंगे कैंपिंग। और उससे पहले मैं कुछ सामान दिखा दूँ जो कि हमने अपने साथ ही कैरी किया था। एक बार मैंने आपको नीचे सामान दिखाया नहीं था ढंग से, यहाँ पे मैं आपको ढंग से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप सामान देख सकते हैं, ये है मेरा बैग, और ये दूसरा बैग बिंदी का, ये हमारा टेंट है, और एक ये टॉर्च ले ली मैंने, और ये एक बल्ब ले लिया। ये बल्ब दरअसल ये रिचार्जेबल बल्ब है अगर इसको, जो कि रात को हमारे काम आएगा, तो इस तरीके से ये जलता है, तो कैंपिंग में काफ़ी काम आता है। तो ये हमारा सामान है कैंपिंग का, और हम निकलेंगे यहाँ से अब 10 मिनट बाद ऊपर। तो भाई जी इस वक्त आप देख सकते हैं अब हमारे होने लगे हैं टेंट स्टॉल। तो रात को ये जगह है वीरान जगह, आप देख सकते हैं चारों गांव है उतनी दूर, और चारों ओर आप देख सकते हैं यहाँ हम करेंगे कैंपिंग। और ये टेंट है बिंदी का, पहले बिंदी यहाँ पे, एक टेंट यहाँ पे लगाएंगे बिंदी, और यहाँ पे लगाएंगे साहिल, और हम जल्द से जल्द करते हैं यहाँ पे बिन, ये क्या बोलते हैं, टेंट स्टॉल। और उसके बाद हम आपको मिलेंगे फिर वहाँ पे। हमारे जो प्रकाश भाई है उधर देख सकते हैं आप, दूर कहीं लाइट दिख रही होगी आपको, वो लकड़ी लाने गए हैं। तो टेंट स्टॉल के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं, कुकिंग वुकिंग करेंगे, कैसे हमारा एक्सपीरियंस रहेगा हम आपको बताते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारे अरविंद ने कर लिया यहाँ पे टेंट सेट, और यहाँ पे हमने अपना एक लगाया है यहाँ पे LED बल्ब, ये देख सकते हैं आप, और उसको मैं हमने पेड़ में बांधा इधर, टेंट हमने किया इधर स्टॉल, और ये बीच में बचा दिया हमने चटाई। और ये हमारे साथ है साहिल, उधर अरविंद, और ठीक है, और ये मैं हूँ, और वहाँ पे हमारी बॉन फायर है, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे थोड़ा सा चूल्हा हमने बनाया है, और चूल्हा तो बनाया है हमने, साथ में हमने इसमें खाना भी बनाएंगे, और ये आग थोड़ा हमको रात को सहारा भी देगी। और उसके जस्ट बगल में हमने लगाया है टेंट, एक टेंट हमारा ये है और ये है। तो अभी हम करते हैं प्याज व्याज, तो उसके बाद आपको दिखाते हैं, खाने की तैयारी करते हैं। तो फाइनली दोस्तों इस वक्त हमने अपने दोनों टेंट सेटअप कर लिए हैं, और अब बैठे हैं हम थोड़ा जो रात का खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं छील रहा हूँ प्याज और शिमला मिर्च, और जैसे ही मैं सब्जी वब्जी काट के उसके बाद हम उधर बनाएंगे खाना, तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन तब तक मैं काटता हूँ सब्जी वब्जी और फिर आपसे मिलता हूँ।
तो दोस्तों इस वक्त हम सबसे पहले बनाएंगे अपना बारबेक्यू, जो कि बारबेक्यू हम लाए थे। और जब भी हम नाइट में ऐसे कैंपिंग करते हैं तो हमें बारबेक्यू का शौक है, तो बारबेक्यू हम बनाएंगे। तो उसके लिए ये जो मैंने मैरिनेशन बनाया था उसमें मैंने डाल दिया शिमला मिर्च और पनीर डालूंगा मैं। तो उसके बाद यहाँ पे लाएंगे हम बारबेक्यू, तब तक मैं करता हूँ बारबेक्यू की तैयारी। तो हमारे साहिल भाई से रुका नहीं जा रहा है, बहुत जल्दी हो रही है इनको, तो तब तक ठीक है साहिल भाई। तो इनको हम बनाते हैं बारबेक्यू, स्टार्ट करते हैं। तो उसमें पहले डालेंगे हम ये, और उसके बाद चिकन नहीं करेगा तो बारबेक्यू, चिकन बाद में करेंगे, पहले तुम पनीर टिक्का। तो आज हमारे जो दो दोस्त हैं उनका हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, तो मैं तो चिकन बनाने वाला हूँ अपने लिए, लेकिन ये लोग वेज खाएंगे। और ये देखिए, ये मैं इसकी ऑयल लिया था जो कि मैंने अमेजोन से खरीदे हैं, मात्र 500 रुपये में खरीदे मैंने, और 12 आए थे 500 रुपये के। तो मैं तैयार हो गया है ये, और मैं अब इसको दूंगा साहिल को लगाने के लिए, क्योंकि मैं मुझे इतना काम है, तो मुझे यहाँ पे से काम करना पड़ रहा है। तो उधर लगा है हमारा चूल्हा, तो उधर जाएगा साहिल। तो ये अपना दोस्त साहिल, साहिल भाई इसको बनाओ फिर बताओ कैसा बना है, ठीक है? तब तक मैं कर लेता हूँ और तैयारी, इन लोगों को लगी है भूख। जल्दी हमारी आग जो कि प्रकाश भाई जला रहे हैं, और ये है हमारा पनीर टिक्का। तो इसको अभी हम इधर बनाएंगे, और मैं लाया था चिकन, चिकन अब धो दिया हमने इधर, सब खत्म हो गई। उसके बाद अब रात को हम इधर ही स्टे करने वाले हैं, और काफी मजा आ रहा है, काफी एक्साइटेड भी है, लेकिन तब तक खाने की तैयारी कर देंगे। जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे अभी तक, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी सी ये गलती कर दी हमको, जो हमने अपना टेंट इंस्टॉल किया ना वो लेट नाइट किया, हमको थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। तो आज आप लोगों के लिए सीख है, जब भी कहीं आप नाइट कैंपिंग में जाए तो यार थोड़ा समय से चले जाएं, यानी कि 4-5 बजे के, जब तक सूरज रहता है तब तक चले जाएं, क्योंकि दिक्कत होती है, क्योंकि अभी नाइट में हमने इंस्टॉल किया लकड़ियां भी, अभी हम एकदम जल्दी जल्दी बाजी में ला रहे हैं, और वो सब हुआ, मेरा एक दोस्त था थोड़ा वो लेट हो गया था उसके कारण। लेकिन अभी जब भी आपका प्लान बने तो टाइम से आप प्लान बना लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको जानकारी मिलते रहे। तो फिलहाल जो भी रात को हमारे साथ एक्सपीरियंस होगा, जैसा ही हम इस जंगल में आज रहने वाले हैं, जो भी होगा तो मैं आपको शेयर करता हूँ। आप तो वहाँ पे तो हमने वेजिटेरियन लगाया है, वहाँ पे पनीर टिक्का लगाया है, इस वक्त अब मैं बना रहा हूँ चिकन टिक्का, क्योंकि दो हम वेजिटेरियन खाने वाले हैं और दो हम नॉन वेज खाने वाले हैं। तो इस वक्त मैं लगाऊंगा चिकन टिक्का। तो ये पहला घुसाया मैंने कैप्सिकम, उसके बाद ये मैंने लेग पीस का घुसाया, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे कैप्सिकम, देन उसके बाद फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पे चिकन, ठीक है? फिर कैप्सिकम। तो कैप्सिकम का जो पीस है उसको बड़ा ही रखिए, क्योंकि जब आप उसको आग में सेकेंगे ना तो वो अपने आप सिकुड़ जाता है ना। तो जो कैप्सिकम का पीस है उसको छोटा मत करिए, और जो चिकन का पीस है उसको थोड़ा मीडियम साइज का रखिए, ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो चिकन का जो पीस है वो अंदर से पकेगा नहीं। तो ये आज आपके लिए टिप्स है, क्योंकि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये बना दिया है, मेरा रेडी हो चुका है, अब मैं इसको आग में उधर बारबेक्यू मतलब सेकने जाऊंगा, पकाने जाऊंगा। मेरा बारबेक्यू चिकन रेडी हो रहा है यहाँ पे, और उधर पनीर टिक्का अपना रेडी है। मेरी आपसे एक टिप्स रहेगी कि जब भी आप इस तरह की कैंपिंग में, तो कम से कम यार 3-4 लड़के आए, और हमने आज बहुत सही किया, पहले हम 2 ही लड़के कैंपिंग करने वाले थे, लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं एक और, फिर एक और, यानी कि हम 4 लड़के हुए हैं, और अपने साथ एक लोकल का बंदा जरूर रखें। इस बार प्रकाश भाई मेरे साथ हैं लोकल के, आप यकीन माने या ना माने, अब कुछ एक्टिविटियां होना शुरू हो गई हैं सही में। अब जैसे जैसे रात बीतती जा रही है ना, अभी हमने हालांकि गांव से 2 किलोमीटर दूर टेंट लगाया, लेकिन नीचे से आवाज़ आ रही है, जैसे गांव से कोई बहुत तेज आवाज़ आ रही है, जैसे कोई भगा रहा होगा इंसान, ऐसे लग रहा है कोई, तो कोई जानवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं हो सकता जानवर भी, लेकिन एक्टिविटियाँ होना शुरू हो गई है, और अभी भी हमने आसपास कुछ आवाज़ें सुनी है। तो अलर्ट हमको रहना जरूरी है, ज़्यादा अलर्ट रहना जरूरी है। और मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगा, जब भी आप कैंपिंग में है ना, आपको कम बंदों में नहीं आना है, ज़्यादा बंदों में कैंपिंग में आना है, हीरो नहीं बनना है, मतलब अगर आपको कैंपिंग के मजे लेने आप लो, लेकिन ज़्यादा बंदे आप होने चाहिए, ठीक है? आपको ऐसे नहीं कि आप कम बंदों में कैंपिंग मारे, ये वो आप देखते होंगे बियर ग्रिल्स में अकेला नहीं रहता, उसके साथ 3-4 बंदे रहते हैं, वो खाली सिखाता है कि अगर आप अकेला सिचुएशन में समझ जाए, और यहाँ पे अभी हमारी सिचुएशन है वो अलग है, हम कैंपिंग आए हैं थोड़ा फन करने के लिए, थोड़ा एक एडवेंचर करने के लिए, लेकिन हम 3-4 लोग साथ में आए हैं, और अपने साथ कुछ हथियार भी रखिए, हथियार क्या मतलब एक लोहे की चीज़ कुछ भी रखिए, वो हमने अपने साथ रखी है, और आग मस्ट है, आग जलाते रहिए। तो हम 4 बंदे हैं,
तो ऐसे डर का कोई वो नहीं है, फिर भी अलर्ट रहना तो जरूरी है। तो आपको आज की मेरी टिप्स थी, कभी भी भाई सिंगल कैंपिंग नहीं करनी है, वो सोलो कैंपिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब रात को ऐसी एक्टिविटियाँ होती है ना, तो फिर भाई बस अब क्या बोलूँ मैं, मतलब पूरी नाइट यहाँ बितानी है। और हम चार बंदे हैं, और अभी दो बंदे भेजे मैंने लकड़ी लाने, थोड़ा मोटी लकड़ी लाएंगे, क्योंकि अब भैया आग जलानी तो बहुत ज़रूरी हो गई है। ये मेरा एक्सपीरियंस है गाँव से 2 किलोमीटर दूर का, और गाँव से आप 1 किलोमीटर ही दूर आओ तो उसके बाद पूरी सिचुएशन बदल जाती है, क्योंकि गाँव वैसे ही सुनसान होते हैं और थोड़ा सा आप ऊपर आते हैं तो फिर उसके बाद तो पूरी एक्टिविटियाँ चेंज हो जाती है। तो यही वीडियो, और जैसे जैसे रात बीतती जाएगी, अभी तो 9:30 टाइम हो रहा है, तो मैं आपको बताते जाऊँगा। और अभी हमने आधा खाना कुक कर लिया है, तो हम चिकन भी कुक कर रहे हैं, तो उसका एक डर और होता है, जब आप चिकन कुक करते हैं तो आसपास के जो जानवर होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है ना, जो उसकी स्मेल होती है, क्योंकि जानवरों की सूंघने की क्षमता तो बहुत ज़्यादा होती है ना। तो यहाँ पे बिंदी चिकन कुक कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, और अब अलर्ट होना जरूरी है। एक टेंट हमारा ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, हालांकि रात को पूरा सोना है, बाद में दोनों टेंट ना चिपका देंगे, और चिपकाना जरूरी है दोनों टेंट, और उसके बाद सो जाएंगे। वो बल्ब है हमारा तो ठीक है, वो LED बल्ब है, चार्जेबल बल्ब है, 4 घंटे उसका बैटरी बैकअप है, वो जलाना जरूरी है, बाद उसको हम टेंट के अंदर लाएंगे। और जो ये आ गया, अभी थोड़ी सी लकड़ियाँ हैं और लकड़ी लेने और गया है, तो भाई और लकड़ी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब आवाज़ आप खुद सुनो, तो भाई जी इस वक्त लगभग रात के बज चुके हैं 10, और मैं आपको देना चाह रहा हूँ बहुत बढ़िया टिप्स। और भाई वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज़ स्किप मत करना वीडियो को, तो सुनिए। जब भी आपको ये नाइट कैंपिंग करनी है ना, तो सोलो नहीं करनी है, कम से कम 4 बंदे होने चाहिए। दूसरी टिप्स, अपने पास लाइट का भरपूर स्रोत रखिए, और कुछ हथियार वथियार अपने पास रखिए। हालांकि मैंने चिकन का ये स्कीवर है जो भी है मैंने रखा है, अपने पास रखिए। और अभी मैंने एक हथियार नीचे से अपने साथ जरूर लिया था, कोई भी लोहे का हथियार अपने पास जरूर रखिए, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी जानवर आता ना, तितर बितर मत होइए, एक साथ ही रहिए, भागिए मत, एक सामने बैठकर हल्ला मचाइए, क्योंकि जैसे जैसे रात बीतती जा रही है ना, यहाँ पे एक्टिविटियाँ बढ़ती जा रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी होगा, लेकिन भाई एक्टिविटियाँ बढ़ रही है, जानवरों की एक्टिविटी बढ़ रही है, दूर से ही आ रही है आवाज़, हमारे आसपास अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन एक्टिविटियाँ बढ़ रही है। तो और थोड़ा डर भी हमको लग रहा है, तो अभी तो 10 बज रहे हैं, तो जैसे जैसे, क्योंकि अभी हमने खाना भी बनाना है, आधा ही खाना बनाया, तो अभी क्योंकि आधा खाना इसलिए बनाया कि लकड़ियाँ कम पड़ गई थी, तो नीचे जाके थोड़ा मोटी लकड़ी मंगाई है मैंने, तो मोटी लकड़ी आ जाएंगी। और हम चार बंदे हैं, अभी दो बंदे हैं, दो बंदे गए थे तो थोड़ा और डर लग रहा था हमको, लेकिन अब शायद उनकी आवाज़ आ चुकी है, वो आ चुके हैं। तो भाई यही टिप्स है मेरी, कैंपिंग करिए जरूर करिए, लेकिन सोलो कैंपिंग बहुत मुश्किल होता है यार, सोलो कैंपिंग ना, तो करिए मत। मेरी टिप्स है भाई, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियो देख के सोलो कैंपिंग करें, क्योंकि मैं आपको खतरे में नहीं डालना चाहूँगा। तो मेरी वीडियो देख के, अगर मेरी वीडियो देखते हैं और अच्छी लगती है, तो भाई आप करिए कैंपिंग, करिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या, कौन सी कैंपिंग करिए, 4 बंदे आप अपने साथ रखने, आपको बहुत सारा मिलता है यार। अगर मैं यहाँ अकेला होता, ये 2 बंदे होते ना, मैं कब का टेंट उतार के नीचे गाँव चले जाया करता, बोला भी नहीं जा रहा अब तो, लेकिन 4 बंदे तो बहुत सारा मिला है। इस वक्त रात के बजे हैं 10, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने आज जो नाइट कैंपिंग थी लेट में शुरू करी थी, तो अब मुश्किल से अब मैंने प्याज व्याज काटे हैं, तो मेरे दोस्त भी लकड़ियाँ भी नहीं थी हमारे पास, लकड़ी काटा, अब बना रहे खाना, और जल्दी से जल्दी मुझे आधे घंटे के अंदर खाना बनाना है, तो मैंने डाल दिए प्याज और रेडी है, अब खाना खाएंगे, और फिर उसके बाद वो गद्दे भी ले आए नीचे गाँव से, फिर हम सो जाएंगे। और ये हमारे प्रकाश भाई, अरे यार ये देख सकते हैं हमारे प्रकाश भाई, जो कि लोकल है हमारे, और भाई इन्होंने काफ़ी सारा दिया हमको, क्योंकि एक लोकल बंदा जरूर होना चाहिए आपके पास ना, तो ये बिल्कुल भी डरते नहीं है। इन्होंने कहा यार तुम देखी जाएगी, मैं हूँ यार, शेर वेर से मुझे कोई डर नहीं लगता। तो खाना अब हम खाएंगे खाना। तो भाई जी इस वक्त रात के बज रहे हैं 11:30, और अब जाकर हमारा खाना रेडी हुआ है। तो यहाँ पे मैं चिकन और भात, ये, और यहाँ पे प्रकाश भाई है, प्रकाश भाई भी ले रहे हैं चिकन और भात, प्रकाश भाई को खा रहे हैं डोंगा, और बिंदी कर रहा है उधर अपने लिए पनीर गरम, क्योंकि वो पनीर ठंडा हो चुका था, दोबारा गरम कर रहा है उसको, और ये भात हमने बनाया है। साहिल अब थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लकड़ियाँ ले आए साहिल, काफ़ी उन्होंने मेहनत कर ली। तो भाई अब हम खाना वाना खाएंगे, और अभी तक का एक्सपीरियंस तो हमारा ठीक ही रहा है, अब खाना खाने के बाद फिर मैं आपसे और एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तब तक हम खा लेते हैं खाना, ठीक है। सच में यार खाना हो रहा टेस्टी, और ये चावल है, ये चावल खाने, मतलब चिकन से भी ज़्यादा चावल में टेस्ट आ रहा है, गाँव के चावल है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी है चावल,
और प्रकाश भाई कैसे लगा वो खाना? बढ़िया है, बढ़िया लगा ना? मतलब बहुत अच्छा। ठीक है, और बिंदी और साहिल का तो पनीर बनाया, वो तो वही बताएंगे कैसा बनाया। और भाई अब लेकिन हमारा चिकन बहुत बढ़िया बना है। फाइनली दोस्तों, इस वक्त हमने खाना वाना खा लिया है और अब हमारी सोने की तैयारी हो रही है। तो सोने की तैयारी हो रही है तो आग हमारी रात भर जलती रहेगी और ये प्रेशर हम रखेंगे साइड, इसको हम सुबह देंगे क्योंकि रात का माहौल है तो हम पानी लेने जा भी नहीं रहे, कुछ भी खतरा भी हो सकता है। और ये हमारे टेंट, अब कुछ देर बाद हम यहाँ सोएंगे और तब तक दो चार लकड़ी हमने और लगा दी। बस भाई ज़्यादा मतलब हल्के हल्के लगा देंगे, इतनी बहुत है, अब बाकी बचा के रखो। एकदम मतलब ना आग हल्की जलने दो, ज़्यादा मतलब और आग हल्की 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 जलती रहेगी। तो दोस्तों, इस वक्त बज रहे हैं 12:30 रात के और जो एक्टिविटियाँ अभी वो ठीक ठाक है, मतलब कंट्रोल में है। जो 10 और 11 बजे के बीच में मैंने बताया था ना वो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो अब नहीं हो रही है, तो रात कंट्रोल में है। और मेरे दो दोस्त उधर बगल वाले टेंट में सोए हैं और यहाँ पे मैं और मेरा दोस्त अरविंद, ये देख सकते हैं आप, वो सोया है बाहर। हमने कुछ लकड़ियाँ तो बाहर हमने आग जलाकर अभी भी रखी है क्योंकि खतरा हो सकता है, और कुछ लकड़ियाँ बचा के रखी है। हालांकि अब लकड़ियाँ कम है हमारे साथ, और अगर रात को आज सही सलामत रहे तो सुबह मिलते हैं आपको। अभी फिलहाल हम सो रहे हैं और अगर कुछ एक्टिविटी रात को भी होती हैं तो फिर आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। तो भाई अब थोड़ा डर भी लग रहा है, थोड़ा मज़ा भी आ रहा है, तो मिलते हैं आपसे सुबह। तो जी अब हो चुकी है सुबह और तकरीबन अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। कल रात को नींद अच्छी आ गई थी और सब कुछ अच्छा ही हुआ था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी रात को बाद में। और अब मैं टेंट खोलूंगा और आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ जहाँ हमने कल टेंट लगाया था। काफ़ी उजाला हो चुका ना, तो यहाँ से तो ये है बाहर, कल हमने लगाया था वहाँ पे अपना। भाई जी ये अब कल हमने आग जलाई थी और अब मैं आपको दिखाता हूँ, वो हमारे बर्तन पड़े हुए हैं, वो अभी थोड़ी देर बाद हम धो देंगे। और तब तक आप आसपास का इलाका देखिए, ये पूरा इधर जंगल है और वो बहुत ज़्यादा घना जंगल है यार। कल वहीं से आवाज़ें आ रही थी तो वहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ है ना वहाँ उसमें, और नीचे है गांव। ठीक है, और ये लगे हैं हमारे टेंट, तो अभी ये लोग सो रहे हैं। तो ठंड काफ़ी है और भैया थोड़ी सी ठंड कल रात को लगी गई थी। और बाकी मैंने कल हमारा टेंट, कैंपिंग का टेंट यहाँ पे लगा था, वो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो बस अभी सुबह की तैयारी है कि अब ये लोग भी उठ जाएंगे, अपना टेंट बांधेंगे और उसके बाद जो भी इधर अपना कूड़ा वूड़ा किया था हमने उसको नीचे ले जाएंगे गांव में, और उधर डस्टबिन होगा वहाँ फेंक देंगे। क्योंकि जब आप जंगल में आओ, कहीं भी आओ, तो कूड़ा वहाँ नहीं फेंकता हूँ, नहीं फेंकना चाहिए हमको। जैसे मेरे दोस्त उठेंगे थोड़ा उससे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और इसी बीच अरविंद है, वो उठ चुके हैं, और ये है प्रकाश भाई लोग, ये भी उठ चुके हैं। और प्रकाश भाई नींद बड़ी आई तुम्हें? अरे नींद आ रही है। साहिल क्या मुझे लेना देना शाम को? अच्छा तू यहीं रहेगा? तो भाई ये ठंड हो रही है इसलिए मैंने ये लपेट लिया चारों ओर। और कल रात ऊपर जंगल में कैंपिंग करने के बाद हम फाइनली आ चुके हैं नीचे प्रकाश भाई के घर, और यहाँ पे हमने साहिल चाय पी रहे हैं, मैं भी चाय पी रहा हूँ, और हमको काफ़ी मज़ा आया कल वहाँ पे नाइट कैंपिंग करने में। कुछ एडवेंचर भी हुआ, कुछ टिप्स मैंने आपको अपने ब्लॉग में दी, और होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इस ब्लॉग का करते हैं एंड और आपसे मिलेंगे आप नेक्स्ट ब्लॉग में।